इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर अजय हाडिया, डायरेक्टर और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से। डॉक्टर अजय, आप कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं और जब हम कैंसर के मरीजों की बात करते हैं, वैसे तो कैंसर शब्द जैसे ही आप बोलते हैं तो मन में एक डर, एक खौफ आ जाता है। और जब कैंसर मरीजों का इलाज होता है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यही एक प्रचलित इलाज की पद्धति है, लेकिन बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं इस इलाज के और अधिकतर लोगों के लिए यही एकमात्र विकल्प कहना चाहिए जो लोग समझते हैं। लेकिन आपके जो टैगलाइन है, आप जो अस्पताल चला रहे हैं उसमें नो कीमो नो रेडिएशन, तो ये इलाज किस तरह से संभव हो पाता है? नमस्कार, विजन ऑफ न्यू इंडिया हमारे 24 के इस मंच पर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और मुझे ये मंच दिया गया है मैं अपनी बात रखने के लिए। आज देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पूरे विश्व में एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जा रहा है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब कैंसर होता है तो कैंसर का ट्रेडिशनल तीन प्रकार से इलाज किया जाता है। पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बायोप्सी की जाती है, कैंसर डिटेक्ट होता है, सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दी जाती है। हम सब जानते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन हमारा इम्यून सिस्टम खत्म करता है और पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है और एक स्टेज के बाद में कैंसर मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जैसे ही कैंसर का नाम आता है परिजन जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि हम मरीज का क्या होगा। देवी अहिल्या हॉस्पिटल ने अपने एक यूनिक ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा, जो कि फिफ्थ सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पूर्ण रूप से हर्बल है, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसके द्वारा देवी अहिल्या हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज किया जा रहा है। और हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो लगभग एलोपैथी का अपना पूरा इलाज ले चुके होते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, और जब बहुत पेन में होते हैं उस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं। उस स्टेज में देवी अहिल्या हॉस्पिटल उन मरीजों का पेन खत्म करता है। साथ में ऐसे मरीज हैं जो 10-10 मॉर्फिन खाते हैं, हम उनकी मॉर्फिन पहले दिन से बंद करते हैं और हमारी मेडिसिन से ही उनका पेन रिलीव करते हैं। इसके अलावा यदि इन्हें किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, कैंसर नेक्रोसिस है, उन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन उनको ठीक करती है, पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है और पेशेंट्स का लाइफ को आसानी से जीने की राह दिखाती है। लेकिन ये जो इलाज की आपकी पद्धति है इसे अभी आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ जो मरीज हैं जब ये आयुष्मान योजना में अगर इसे शामिल कर लिया जाता है उन्हें क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी आपने क्वेश्चन किया है। हम भारत सरकार से भी और मध्य प्रदेश सरकार से और साथ में आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हैं और हम इस मन से मैं कहना चाहूँगा कि जनरली जब आयुष्मान योजना लागू की गई तो निश्चित ही मरीजों को बहुत फायदा हुआ, परंतु जब कैंसर का इलाज जब मरीज लेता है, जब कीमो रेडिएशन कराता है, तो उस समय तक वो अपनी सरकारी योजना का लाभ भी उसका समाप्त हो चुका होता है, उसके बाद पैसा बिल्कुल नहीं होता है। उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास में आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता, बहुत तकलीफ में होते हैं। यदि इलेक्ट्रोपैथी और हमारे हॉस्पिटल को यदि आयुष्मान में लागू योजना में लागू कर लिया जाए तो ऐसे लाखों हजारों करोड़ों मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और वो अपने आगे का जीवन जो है बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। तो आयुष्मान योजना लागू होने पर इस सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। हर्बल थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार के अंदर कोई नुकसान नहीं होता है और मरीजों को बहुत राहत के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। डॉक्टर अजय, आप 2019, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने कैंसर मरीजों का इलाज करना शुरू किया था, तो किस तरह के केसेस आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है? जो केसेस आते हैं, संख्या तो जाहिर तौर पर देश में बढ़ी रही है, लेकिन केसेस जो हैं, क्या क्रिटिकल केसेस की संख्या ज्यादा बढ़ गई है? चूंकि हमारा हॉस्पिटल 2003 से क्लिनिकल बेस में हम लोग काम कर रहे हैं और हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते चले गए और हमने 2019 में 100 बेडेड एक पूर्ण रूप से हमने कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है और हम ये देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उसका जो रीज़न जो है कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और चूंकि ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिना पेस्टिसाइड्स के कोई भी फसल भोजन हम खा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जो थाली भोजन की आ रही है वो पेस्टिसाइड्स के रूप में आ रही है। तो एक तो कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और
दूसरा कैंसर होने का मुख्य कारण टोबेको है, अल्कोहलिज्म है, ये सब चीज़ें हैं। तो जब कैंसर होता है और होने के बाद में जब उसका इलाज होता है तो हम ये कहेंगे कि जब सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये तो पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में पहुंच ही जाता है। और उस स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास में, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो पूर्ण रूप से, हम ये कहेंगे कि एलोपैथी के सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास सभी सुविधा एक एलोपैथी हॉस्पिटल में होती है, वो सुविधा है। परंतु पूरा जो ट्रीटमेंट होता है वो हर्बल इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में कैसा भी क्रिटिकल केस का पेशेंट आता है तो हम उसको मैनेज करते हैं और ट्रीटमेंट पूरा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से हम लोग करते हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। और हमारे पास जब पेशेंट आता है वो तकलीफ में आता है, अपने आंसुओं के साथ आता है, परंतु जब हम 7 दिन में जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो जब डिस्चार्ज होता है तो वो अपनी खुशी लेके यहाँ से जाता है। तो हमारे इलाज की सबसे स्पेशलिटी ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही फेमिलियर है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती इलाज के अंदर। हम जैसे कहते तो हैं कि अब जब तकलीफ की आप बात करते हैं, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन जिनकी हो जाती है, परिवार वाले भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ऐसे में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो हर किसी का विश्वास इतना नहीं होता है। एक शक जरूर मन में पैदा होता है कि कितना कारगर होगा। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके इलाज पर, इस पद्धति पर, अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो और होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, तो ये कितना कारगर होता है? देखिए, हमारी जो मेडिसिन है 100% हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसमें 114 प्लांट्स का हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रो नाम इसलिए दिया है कि इसमें एनर्जी होती है। सनरेज की उपस्थिति में जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन, अपना जो भोजन बनाते हैं, उसको हम उस प्लांट्स को हम लेके उसको फर्मेंटेशन करके, कोएबेशन लेके उसकी मेडिसिन बनाते हैं और हम उसको इतना प्यूरिफाई कर देते हैं कि उसमें से अल्कलॉइड्स को निकाल देते हैं, केमिकल्स निकाल देते हैं। तो हमारी मेडिसिन में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा है कि हमारी जो मेडिसिन वो एंटीऑक्सीडेंट है। जनरली हम बोलते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उन कैंसर सेल्स हाइपोक्सिया होते हैं, जो ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं। और जनरली एलोपैथी के अंदर हम देखते हैं कि कैंसर के मरीजों को प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, और प्रोटीन जो होता है वो कैंसर सेल्स का भोजन है, उसकी डाइट है। तो हम उसको, हम जो हमारा मरीज होता है उसको हम प्रोटीन डाइट देना पूर्ण रूप से बंद करते हैं। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, पेन को रिलीव करती है। हमारा जिस पार्ट में कैंसर है वो दी, उस पार्ट पे दी हम अपनी मेडिसिन लगाते हैं तो वहाँ से उसका ट्यूमर का साइज कम होना स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारी मेडिसिन में एनर्जी होने की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया है। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है और लिम्फ होता है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, उसको हम बैलेंस कर देते हैं, इसलिए हम उसको होमियो बोलते हैं जी। कि इसको ब्लड को यदि हम वापस से बैलेंस कर देंगे तो डिस्ट ठीक हो जाएगी, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहा जाता है जी। चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों की। और शिखर सम्मान जो मंच है, हम कहेंगे कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इस मंच पर आए और ये जो एक नई राह आपने चुनी है और दिशा जो आप पूरे राज्य को दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। भारत 24 एक ऐसा न्यूज चैनल जो खबरों के साथ साथ नए भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और खुशहाल भारत के नए विजन के साथ अपनी खास जगह बना रहा है। भारत 24 की लगातार कोशिश रही है कि देश के विकास और तरक्की में शामिल लोगों का हर मुमकिन साथ दिया जाए। इसी नेक नियत के साथ हम लेकर आए हैं भारत 24 शिखर सम्मान। इस पहल की शुरुआत हुई गुजरात से, जहां हमने देश के विकास के पहिए को लगातार गति दे रहे लोगों को सम्मानित किया। अब बारी है छत्तीसगढ़ की, जहां हम करेंगे उन हस्तियों को सम्मानित जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ आज संवारा बल्कि देश का कल भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार भारत के इन होनहार लोगों की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए भारत 24 के साथ, विजन ऑफ न्यू इंडिया। डॉक्टर अजय हाडिया, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल,
कैंसर को हराना है, भारत को जिताना है की सोच को ध्यान में रखकर आपने बिना कीमो बिना रेडिएशन के कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा इलाज किया है। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।